हेलो फ्रेंड्स और वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आज हम करेंगे मटेरियल के बारे में बात। तो मटेरियल के अंदर कई बार जो क्लोथ के जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर एक लेस मटेरियल आता है, जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ। ओके, लेस एसडी टेक्चर मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो आपने कई बार ये देखा होगा, कुछ इस टाइप के मटेरियल होते हैं क्लोथ के अंदर, देख सकते हैं आप। ओके, कोई भी बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो ये वाला मटेरियल जो है, ये टेक्चर हम यूज करके इसको जो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, ये वो कैसे करेंगे अपने एक, जैसे कि मैं आपने अभी जो फोटो में देखा कि हमने वो कैसे बनाया। ओके, तो मैं जो भी आपको टेक्चर चाहिए, जो भी लेस का, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी है। जैसे मैं ये वाला मेरे पास अभी डाउनलोड है। ओके, तो मैं जाके अभी अपने चलते स्केचअप किया और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। ओके, इस वाले में अप्लाई करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से मैं एसेट एडिटर के अंदर चला जाता हूँ और मटेरियल में चला जाऊँगा और यहाँ पर करके न्यू मटेरियल जनरेट। ओके, पहले सी ओके, ये वाला मटेरियल हो गया। अभी यहाँ से जो भी आपका टेक्सचर है उसको यहाँ से बिटमैप, ओके, और जो भी आपका टेक्सचर है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास ये वाला है तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से आप इस ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, बैक वाले पे भी क्लिक कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ओके, यहाँ से भी आपको ये वाला जो मटेरियल है, ओके, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कर देना है कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ओपेसिटी पे। ओके, ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। ओके, ये वाला यदि आपका ऑप्शन ऑन हो तो इसको क्लोज कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको बम्प पे जाना है। बम्प मैप के अंदर भी आपको पेस्ट एज, ओके, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। ओके, बम्प के जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड लेयर, यहाँ पे आपको सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे आपको आपको एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, बम्प हमारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी हम ये वाला ऑप्शन यहाँ से ऑन करेंगे। ओके, और यहाँ पे पेस्ट एज कॉपी। ओके, तो ओपेसिटी और आपको डिस्प्लेसमेंट में भी ये पेस्ट कर लेना। ये करने के बाद ये वाला मटेरियल मैं कर दूंगा यहाँ पे अप्लाई। ओके, तो इसको मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले। ओके, जैसे मेरा ये वाला मटेरियल हो गया, ओके, मटेरियल सेलेक्ट हो गया, मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर कर देता हूँ अप्लाई। ओके, अभी अप्लाई हो गया, इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो। देखिए अपना जो मटेरियल है, देखिए आपको कैसा लग रहा है, एकदम मतलब जो व्यवस्थित एकदम पूरा टेक्सचर के अंदर नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही चीज़ हो रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे वीडे यूटिलिटीज पे क्लिक करूँगा और यूटिलाइज के अंदर मैं ये जो स्फेरिकल प्रोजेक्शन वॉल, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ा सा वेट लेगा। ओके, और ये जो भी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो ये मतलब टेक्सचर अच्छे से यहाँ पे नहीं आ रहा था, वो आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि पिछली बार अपना टेक्सचर मतलब अच्छे से नहीं आ रहा था, अभी वो करने के बाद अभी टेक्सचर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई। ओके, अभी मैं चला जाता हूँ सीन वन। ओके, तो अभी हम इसका रेंडर करके देखते हैं। ओके, तो हमारे पास इसका जो रेंडर है वो कैसा आता है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी रेंडर करता हूँ। ओके, तो एसेट एडिटर और रेंडर के अंदर चला जाऊँगा। डिनोइजर
जो भी ये मैं सेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैंने एक इसके ऊपर स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना रखी है, तो यदि आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं, आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा उसका। ओके, ये हो गई है। इसके बाद में अभी जो हमने मटेरियल अप्लाई किया, जो हमको जैसा मटेरियल चाहिए था वैसा हमारे पास हुआ है कि नहीं हुआ, ओके तो उसके लिए अभी हम रेंडर कर देते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हम जो चीज़ हमने की है वो भी एक परफेक्टली नहीं हुई है। तो यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करता हूँ मैं, ओके तो यहाँ पे रेंडरिंग हो रही है, तो इसको होने देते हैं अपने। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल रेंडरिंग कैसी हुई है। ओके, ओके तो अभी हमारा रेंडर हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो हमने जो मटेरियल अप्लाई किया वो यहाँ पे लेसेज अच्छे से लग गई है। और यहाँ पे आपको जो आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, जो मतलब लेस के अंदर जैसे होता है कि आप उसके मतलब बीच में हो तो आप दूसरे साइड का जो भी है वो आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको देखिए पीछे का ये जो हमने जो नीचे का जो रेड कलर है वो भी आपको इसके अंदर से दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम नई नई मटेरियल के ऊपर अभी एक सीरीज लेके आएंगे। ओके, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।